राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। और आज शुरुआत करते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ से। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। दावत क्यों करनी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को। और ये देखिए बच्चे मेरे साथ कैसे कर रहे हैं, ये अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं। और देख लो मानसिका और मेरी नंद की बेटी, देख लो बहुत नोटिस करते हैं। अरे देश रंगीला हो गया, ये देखो माही आ गई। माही को रात में साइकिल छोड़ दो। नहीं बाय, अच्छा जाओ, शेयर करूंगी। नाइट रूटीन मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, देखिए भी सूखे नहीं है। और गाइस मेरे इंस्टा आज मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है छत पे, तब से 2 घंटे से यही हूँ छत पे। और बहुत अच्छी हवा चल रही है। नहीं बेटा शोर नहीं करते। और गाइस मेरी जाके रील्स देखना, मेरी इंस्टा आईडी में अपने लिए देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। छोटी देखिए हेयर वॉश किए थे ना, तो बाल अभी ऐसे, आपको यकीन नहीं आएगा। देखिए कंघा भी अपने हाथ में लेके बैठी हूँ। और हवा ना बहुत इतनी अच्छी चल रही है गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और आज ना पूरा दिन मुझे ऐसे ही हो गया था गाइस, मतलब काम में ही हो गया था। मैं चलो थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए ऊपर बैठ के, मतलब छत पर रील्स बनाऊंगी, थोड़ा मन भी लगेगा। और अगर मैं लेट जाती ना तो फिर वही। और देखिएगा, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। और आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताना गाइस। तो अभी थोड़ी सी कर रहे हैं हम फुल मस्ती, तो आप भी इंजॉय कर लीजिएगा। वैसे मेरे ब्लॉग तो ज़्यादा किसी को पसंद आ नहीं रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। जब आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे आते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही है ना, मन नहीं मानता है। तो चलिए गाइस, आज का मैं आपके साथ जो है अपना इवनिंग से नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और तो देखिए मैं घूम रही थी ना, तो मुझे चक्कर आ गए थे। तो और ये मैं देवरानी का बेटा, देखिए कितना शरारती है। और गाइस देहरादून में आजकल ना बारिश इतनी ज़्यादा है कि मेरे पड़ोस में ही 3-4 बार बादल फट चुका है और कई पुल टूट चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए इतना तेज़ से पानी आ रहा ना बादल में, मैंने पहली बार देहरादून के अंदर देखा है। मतलब पता नहीं कैसे अब की बारिश है कि डर भी बहुत लग रहा है। और ये देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत, मतलब अब की बार डर भी इतना लगा हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि बेटा नीचे चलो, तो मैं थोड़ी सी यार रील्स वगैरह भी बना रही थी। और पूरा दिन हो गया था गाइस आज मुझे ना, तो यहाँ पर मानसी भी आ गई थी ट्यूशन से। तो चलिए गाइस मैं आ गई हूँ नीचे, तो चलिए अपना फटाफट काम में लग जाते हैं। और फिर मुझे सुबह की तैयारी भी करनी रहती है, क्योंकि फिर छोटा छोटा सारा काम निपटा देती हूँ ना, तो फिर मुझे सुबह को इतनी जल्दी टेंशन नहीं होती है। तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो फिर अभी मैं बना रही रोटी। सिर्फ रोटी बनाई मैंने गाइस, क्योंकि आज 4 बजे सभी ने खाना खाया था, लेट खाया था खाना, क्योंकि आजकल बच्चे जब से स्कूल जा रहे हैं तो खाना भी, मतलब उनका भी टाइम रूटीन बहुत ख़राब हो गया, और हमारा सबका भी। तो चलिए मैंने जो बच्चों को खाना वाना दिला दिया। और खाने में मैंने अरहर की दाल बनाई थी और सूखी सब्जी बनाई थी आलू की, तो सिर्फ उसी से मैंने रोटी बनाई थी। तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा हम काम करते रहते हैं ना गाइस, तो सुबह को ना टेंशन नहीं होती है, फिर थोड़ा तसल्ली से हम 1-2 घंटा आराम से सो जाते हैं। तो मेरा किचन का पूरा काम मैंने फिनिश कर लिया है। और जो मेरा डस्टर है ना, वो उसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो आज मेरी थोड़ी हेल्प ना मानसी कर रही है, तो मतलब अभी माही सो गई है, तो उसके पापा भी सो गए, छोटे छोटे काम मैं सारा अपना कर लेती हूँ। तो मैंने सोफ़ा कवर सभी ये, और एक चेयर ना मैंने हस्बैंड के रूम में रख दी है, क्योंकि इधर मैंने चारपाई डाली हुई है। तो सारा सामान मैं गई सेट कर देती हूँ। और हाँ चैनल प्लीज़ वीडियो देखते मत रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो रेड बटन होता है ना, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर हस्बैंड भी और बेटा भी सो गया है, बल्कि बेटे को फीवर भी हुआ था, स्कूल से वापस टीचर ने उनको भेज दिया था। तो दूसरे रूम की भी मैंने कर दिया है सेट, पापा जी साइड को सो रहे हैं, तो माही अभी बाहर सो रही है, जब वो उठेगी तो मैं यहाँ बैठ उसको लिटा दूंगी। तो बस ये सब कुछ मैं रात में अपना करके लेट जाती हूँ आराम से, तो फिर मुझे सुबह का इतना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। हाँ जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं जब इतना नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं सारा मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी माही बाहर सोई है चारपाई पर,
यहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बच्चों ने ना जो दूध वगैरह गाइस पिया था ना, तो उन्होंने गिलास उधर उधर रख दिए थे, तो अभी मैं इनको भी रख दूँगी। और बच्चों का ना हॉर्लिक्स भी ख़त्म हो गया है, तो वो भी मुझे हस्बैंड से मंगाना है। तो बस छोटे छोटे ये मेरे काम होते हैं रोज़मर्रा के, तो इन्हीं को हम रिपीट पर रिपीट करते रहते हैं। और दूध भी मैंने बॉयल कर दिया था, जो दिन का दूध था वो बच्चों को मैंने पिलाया था। और मैं दिखा रही थी कि हॉर्लिक्स भी मेरा ख़त्म हो चुका है, तो बच्चों के टिफ़िन भी मैंने कर दिए हैं। तो बस मेरा दूध है ये, मैं बाद में पी लूँगी। तो बस मेरा सारा जो है रात का मैं अपने इवनिंग रूटीन में ऐसे शेयर करती हूँ। तो बस मुझे सुबह की भी तैयारी करनी होती, सुबह को मैं बनाऊंगी छोले, तो मैं रात को इनको भिगा के अभी रख देती हूँ, सुबह तक अच्छे हो जाएंगे। जैसे पिछले नेक्स्ट ब्लॉग में हुआ था कि मुझे लगा कि मैंने छोले रख दिए भिगा के, और फिर मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो यहाँ पर कर देते हैं किचन को बंद, और तो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एक हाथ वीडियो तो वायरल करा दो गाइस। तो चलिए अब मैं भी सोने चलती हूँ, सभी सो गए हैं, मानसी और मैं भी चलते हैं सोने के लिए। तो चलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है, बाय बाय।